जिले शेरानी में आज से 12 दिन पहले का जो आग लगा है कोह सुलेमान के पहाड़ों में, इसी आग के लिए सोशल मीडिया पर और हमारा जो साथी हजरात है इन्होंने जो आवाज़ उठाया पूरा दुनिया कोने कोने तक पहुंचा। इस आग पर काबू अभी तक नहीं पाया गया, लेकिन जो हमारा इंतज़ामिया डिस्ट्रिक्ट शेरानी का है उन्होंने रात और दिन डीसी खुद फील्ड पे यहाँ पर सोता है और रात दिन एक करके कमिश्नर साहब और जो हमारे पास रिस्को टीमें आए हुए इन्होंने रात दिन एक किया हुआ है, लेकिन आग काबू में नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमारा तीन जाने की एक कीमती जाने और वो राख हो चुका है इस आग के अंदर। अभी इस टाइम इसी आग के एरिए में अंदर 200 के करीब घर है इसी आग के दरमियान में फंसे हुए हैं, लेकिन इसके लिए हम अल्लाह से ये मदद मांग रहे हैं कि या अल्लाह आपके कुदरत से इस आग पर काबू पाया जाए। इस टाइम तीन हेलीकॉप्टर जो हमारा पाक फौज की तरफ से यहाँ रिस्को में वो हिस्सा ले रहा है और उसको बुझाने के लिए आग कम नहीं हो रहा है उसी ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन एक बात है जो यहाँ पर बलूचिस्तान हुकूमत है उन्होंने अपने तरफ से जो कुछ हो रहा था या इनके बस में था वो तावन मुकम्मल कर रहा है। आज 2 दिन हो गया, 10 दिन कोई तावन नहीं था बगैर ज़िले इंतज़ामिया और हमारा जो डीसी साहब था उसके अलावा। अभी 2 दिन जो भी बलूचिस्तान का वसाइल है वो यहाँ इस्तेमाल हो रहा है और इधर कर रहा है, लेकिन आग काबू में नहीं आ रहा है। इस टाइम जो 200 घरों में आस पास लोग हैं उन्होंने इस टाइम 100 घर नकल मकानी कर बैठे और पीडीएम ने अपना कैंप बनाया और वहाँ पर ये लोग आजकल वहाँ पर बरस रहे। लेकिन ये एक चीज़ है कि हमारा ये आग काबू में नहीं आ रहे। बाहर मुल्कों से और अलमी दुनिया से जो भी फायर ब्रिगेड का एयर्स है एयर हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर पहुँचा जाए और ये कीमती दरख्त को बचाया जाए। वस्सलाम।